हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का खजाना। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बॉलीवुड एक्टर जिसको मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ आमिर खान के बारे में। आमिर खान का पूरा नाम है मोहम्मद आमिर हुसैन खान। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट शुरुआत की। आमिर खान को 2003 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। तो आइए जानते हैं आमिर खान की अब तक की फिल्मों के सफर के बारे में। November 2, 1973 में फिल्म यादों की बारात, इसमें थे आमिर खान, धर्मेंद्र और जीना तमान। इस फिल्म में आमिर खान ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नासिर हुसैन ने। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ का और इस फिल्म ने 2.6 करोड़ की कलेक्शन की और ये फ्लॉप फिल्म डिक्लेयर की गई थी। August 15, 1984 में आई फिल्म होली, इसमें थे आमिर खान, नसरुद्दीन शाह और ओम पुरी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केतन मेहता ने। इस फिल्म का बजट था 50 लाख का और इस फिल्म ने 5 लाख की कलेक्शन की और एक डिजास्टर फिल्म डिक्लेयर की गई थी। April 29, 1988 में आई फिल्म कयामत से कयामत तक, इसमें थे आमिर खान और जूही चावला। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मंसूर खान ने। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ का और इस फिल्म ने 5.5 करोड़ की कलेक्शन की और एक सुपरहिट फिल्म डिक्लेयर की गई। April 21, 1989 में आई फिल्म राख, इसमें थे आमिर खान, पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आदित्य भट्टाचार्य ने। फिल्म का बजट था 1 करोड़ का और इस फिल्म ने 1.5 करोड़ की कलेक्शन की और एक डिजास्टर फिल्म डिक्लेयर की गई। August 4, 1989 में आई फिल्म लव लव लव, इसमें थे आमिर खान, गुलशन ग्रोवर और जूही चावला। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था बाबर सुभाष ने। इस फिल्म का बजट था 1.5 करोड़ का और इस फिल्म ने 2.8 करोड़ की कलेक्शन की और एक बिलो एवरेज फिल्म डिक्लेयर की गई थी। May 11, 1990 में आई फिल्म अव्वल नंबर, इसमें थे आमिर खान, देवानंदन, एकता सोहिनी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था देवानंद ने। इस फिल्म का बजट था 1.2 करोड़ का और इस फिल्म ने 1 करोड़ की कलेक्शन की और एक डिजास्टर फिल्म डिक्लेयर की गई। May 25, 1990 में आई फिल्म तुम मेरे हो, इसमें थे आमिर खान और जूही चावला। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ताहिर हुसैन। इस फिल्म का बजट था 2.1 करोड़ का और इस फिल्म ने 3 करोड़ की कलेक्शन की और एक एवरेज फिल्म डिक्लेयर की गई थी। June 22, 1990 में आई फिल्म दिल, इसमें थे आमिर खान और माधुरी दीक्षित। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इंदिरा कुमार ने। इस फिल्म का बजट था 2.3 करोड़ का और इस फिल्म ने 18 करोड़ की कलेक्शन की और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म डिक्लेयर की गई थी। July 20, 1990 में आई फिल्म दीवाना मुझसा नहीं, इसमें थे आमिर खान और माधुरी दीक्षित। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नागेश्वर राव ने। इस फिल्म का बजट था 1 करोड़ का और इस फिल्म ने 1.2 करोड़ की कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म डिक्लेयर की गई थी। August 17, 1990 में आई फिल्म जवानी जिंदाबाद, इसमें थे आमिर खान और फरहानाज। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अरुण भट्ट ने। इस फिल्म का बजट था 1.2 करोड़ का और इस फिल्म ने 1.3 करोड़ की कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म डिक्लेयर की गई थी। April 18, 1991 में आई फिल्म अफसाना प्यार का, इसमें थे आमिर खान, दीपक तिजोरी और नीलम कोठारी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था शाहजान ने। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ का और इस फिल्म ने 1.2 करोड़ की कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म डिक्लेयर की गई थी। July 12, 1991 में आई फिल्म दिल है के मानता नहीं, इसमें थे आमिर खान, दीपक तिजोरी और पूजा भट्ट। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने। इस फिल्म का बजट था 2.23 करोड़ का और इस फिल्म ने 5.9 करोड़ की कलेक्शन की और एक हिट फिल्म डिक्लेयर की गई थी। January 3, 1992 में आई फिल्म दौलत की जंग, इसमें थे आमिर खान और जूही चावला। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऐसे कादर ने। इस फिल्म का बजट था 1.2 करोड़ का और इस फिल्म ने 1.1 करोड़ की कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म डिक्लेयर की गई थी। May 22, 1992 में आई फिल्म जो जीता वही सिकंदर, इसमें थे आमिर खान, दीपक तिजोरी, पूजा बेदी और आयशा झुलका। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मंसूर खान ने। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ का और इस फिल्म ने 6.6 करोड़ की कलेक्शन और ये एक हिट फिल्म डिक्लेयर की गई थी। August 28, 1992 में आई फिल्म इसी का नाम जिंदगी, इसमें थे आमिर खान और फरहानाज। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कालिदास ने। इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ का और इस फिल्म ने 3 करोड़ की कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म डिक्लेयर की गई थी। May 14, 1993 में आई फिल्म परंपरा, इसमें थे आमिर खान, सैफ अली खान, रवीना टंडन और नीलम कोठारी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था यश चोपड़ा। इस फिल्म का बजट था 3.07 करोड़ का और इस फिल्म ने 4 करोड़ की कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म डिक्लेयर की गई थी। July 5, 1993 में आई फिल्म हमें राई प्यार के, इसमें थे आमिर खान और जूही चावला। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था महेश भट्ट ने। इस फिल्म का बजट था 2.5 करोड़ का और इस फिल्म ने 9.8 करोड़ की कलेक्शन की और एक सुपरहिट फिल्म डिक्लेयर की गई थी। November 4, 1994 में आई फिल्म अंदाज अपना अपना, इसमें थे आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार संतोषी ने। इस फिल्म का बजट था 3 करोड़ का और इस फिल्म ने 7.59 करोड़ की कलेक्शन की और एक एवरेज फिल्म डिक्लेयर की गई थी। April 5, 1995 में आई फिल्म बाजी, इसमें थे आमिर खान और ममता कुलकर्णी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आशुतोष गोवारीकर ने। इस फिल्म का बजट था 3.5 करोड़ का और इस फिल्म ने 9 करोड़ की कलेक्शन की और एक एवरेज फिल्म डिक्लेयर की गई थी। August 18, 1995 में आई फिल्म आतंकी आतंक, इसमें थे आमिर खान और जूही चावला। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था दिलीप शंकर ने। इस फिल्म का बजट था 2.65 करोड़ का और इस फिल्म ने 4.28 करोड़ की कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म डिक्लेयर की गई थी। September 8, 1995 में आई फिल्म रंगीला, इसमें थे आमिर खान, जैकी श्रॉफ और उर्मिला मातोंडकर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राम गोपाल वर्मा ने। इस फिल्म का बजट था 5 करोड़ का और इस फिल्म ने 33.65 करोड़ की कलेक्शन की और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म डिक्लेयर की गई थी। November 38, 1995 में आई फिल्म अकेले हम अकेले तुम, इसमें थे आमिर खान और मनीषा कोराला। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था मंसूर खान ने। इस फिल्म का बजट था 4.5 करोड़ का और इस फिल्म ने 12.20 करोड़ की कलेक्शन की और एक बिलो एवरेज फिल्म डिक्लेयर की गई थी। November 15, 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी, इसमें थे आमिर खान और करिश्मा कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था धर्मेश दर्शन ने। इस फिल्म का बजट था 5.75 करोड़ का और इस फिल्म ने 76.35 करोड़ की कलेक्शन की और एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म डिक्लेयर की गई थी। November 28, 1997 में आई फिल्म इश्क, इसमें थे आमिर खान, काजोल, अजय देवगन और जूही चावला। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इंदिरा कुमार ने। इस फिल्म का बजट था 11 करोड़ का और इस फिल्म ने 45.62 करोड़ की कलेक्शन की और एक सुपरहिट फिल्म डिक्लेयर की गई थी। June 19, 1998 में आई फिल्म गुलाम, इसमें थे आमिर खान और रानी मुखर्जी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विक्रम भट्ट ने। इस फिल्म का बजट था 7.25 करोड़ का और इस फिल्म ने 24.21 करोड़ की कलेक्शन की और एक हिट फिल्म डिक्लेयर की गई थी। April 30, 1999 में आई फिल्म सरफरोश, इसमें थे आमिर खान और सोनाली बेंद्रे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जॉन मैथ्यू मैथन ने। इस फिल्म का बजट था 8 करोड़ का और इस फिल्म ने 33.44 करोड़ की कलेक्शन की और एक हिट फिल्म डिक्लेयर की गई थी।
June 22nd, 1999 में आई फिल्म मन, इसमें थे आमिर खान और मनीषा कोराला। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इंदिरा कुमार ने। इस फिल्म का बजट था 14 करोड़ का और इस फिल्म ने 36 करोड़ की कलेक्शन की और एक एवरेज फिल्म डिक्लेयर की गई थी। January 7, 2000 में आई फिल्म मेला, इसमें थे आमिर खान और ट्विंकल खन्ना। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था धर्मेश दर्शन ने। इस फिल्म का बजट था 18 करोड़ का और इस फिल्म ने 29.12 करोड़ की कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म डिक्लेयर की गई थी। June 15, 2001 में आई फिल्म लगान, इसमें थे आमिर खान, ग्रेसी सिंह और रेचल शेली। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आशुतोष गुवारी ने। इस फिल्म का बजट था 24 करोड़ का और इस फिल्म ने 58.05 करोड़ की कलेक्शन की और एक सुपरहिट फिल्म डिक्लेयर की गई थी। August 10, 2001 में आई फिल्म दिल चाहता है, इसमें थे आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना और प्रीति जिंटा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था फरहान अख्तर ने। इस फिल्म का बजट था 14 करोड़ का और इस फिल्म ने 39.62 करोड़ की कलेक्शन की और एक एवरेज फिल्म डिक्लेयर की गई थी। August 12, 2005 में आई फिल्म मंगल पांडे, इसमें थे आमिर खान, रानी मुखर्जी और अमीषा पटेल। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था केतन मेहता ने। इस फिल्म का बजट था 37 करोड़ का और इस फिल्म ने 53 करोड़ की कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म डिक्लेयर की गई थी। January 26, 2006 में आई फिल्म रंग दे बसंती, इसमें थे आमिर खान, शर्मन जोशी और सोहा अली खान। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। इस फिल्म का बजट था 28 करोड़ का और इस फिल्म ने 96.90 करोड़ की कलेक्शन की और एक हिट फिल्म डिक्लेयर की गई थी। May 26, 2006 में आई फिल्म फना, इसमें थे आमिर खान और काजोल। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कुणाल कोहली ने। इस फिल्म का बजट था 30 करोड़ का और इस फिल्म ने 106 करोड़ की कलेक्शन की और एक सुपरहिट फिल्म डिक्लेयर की गई थी। December 21, 2007 में आई फिल्म तारे जमीन पर, इसमें थे आमिर खान और दर्शील सफारी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आमिर खान और अमोल गुप्ता ने। इस फिल्म का बजट था 18 करोड़ का और इस फिल्म ने 99 करोड़ की कलेक्शन की और एक सुपरहिट फिल्म डिक्लेयर की गई थी। December 24, 2008 में आई फिल्म गजनी, इसमें थे आमिर खान, नसीर और जिया खान। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एआर मुर्गदोस ने। इस फिल्म का बजट था 52 करोड़ और इस फिल्म ने 195 करोड़ की कलेक्शन की और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म डिक्लेयर की गई। December 23, 2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स, इसमें थे आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी और करीना कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस फिल्म का बजट था 77 करोड़ का और इस फिल्म ने 460 करोड़ की कलेक्शन की और एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म डिक्लेयर की गई थी। January 21, 2011 में आई फिल्म धोबीघाट, इसमें थे आमिर खान, प्रतीक बाबर और कृति मल्होत्रा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था किरण राव ने। फिल्म का बजट था 13 करोड़ का और इस फिल्म ने 25.62 करोड़ की कलेक्शन की और एक एवरेज फिल्म डिक्लेयर की गई। November 30, 2012 में आई फिल्म तलाश, इसमें थे आमिर खान, करीना कपूर, रानी मुखर्जी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था रीमा ख्याति। इस फिल्म का बजट था 71 करोड़ का और इस फिल्म ने 175 करोड़ की कलेक्शन की और एक हिट फिल्म डिक्लेयर की गई थी। December 28, 2013 में आई फिल्म धूम 3, इसमें थे आमिर खान, उदय चोपड़ा, अभिषेक बच्चन और कटरीना कैफ। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विजय कृष्ण आचार्य। इस फिल्म का बजट था 175 करोड़ और इस फिल्म ने 558 करोड़ की कलेक्शन की और एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म डिक्लेयर की गई थी। December 19, 2014 में आई फिल्म पीके, इसमें थे आमिर खान, अनुष्का शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। इस फिल्म का बजट था 122 करोड़ का और इस फिल्म ने 792 करोड़ की कलेक्शन की और एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म डिक्लेयर की गई। December 21, 2016 में फिल्म दंगल, इसमें थे आमिर खान और साक्षी तन्वर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नितेश तिवारी। इस फिल्म का बजट था 132 करोड़ का और इस फिल्म ने 2070 करोड़ की कलेक्शन की और एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म डिक्लेयर की गई थी। October 19, 2017 में आई फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार, इसमें थे आमिर खान और जायरा वासिम। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अद्वैत चंदन ने। इस फिल्म का बजट था 45 करोड़ का और इस फिल्म ने 912.75 करोड़ की कलेक्शन की और एक सुपरहिट फिल्म डिक्लेयर की गई। November 8, 2018 में आई फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान, इसमें थे आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कटरीना कैफ। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विजय कृष्ण आचार्य ने। इस फिल्म का बजट था 310 करोड़ का और इस फिल्म ने 327 करोड़ की कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म डिक्लेयर की गई। August 11, 2022 में आई फिल्म लाल सिंह चड्ढा, इसमें थे आमिर खान और करीना कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था अद्वैत चंदन ने। इस फिल्म का बजट था 180 करोड़ का और इस फिल्म ने 129.64 करोड़ की कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म डिक्लेयर की गई थी। गाइस, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। थैंक यू।